बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आरजे बिलाल कियानी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान बोलता है टीवी चैनल। व्यूअर्स, उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप। और एज यूजुअल एक नया ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तानी कौम ने जनाब अपने सर पे उठा के रखा हुआ है, लाहौर द इको पावा अख्तर लावा अख्तर लावा। यानी कि चंद दिन पहले ठुमके लगा के मेरा दिल ये पुकारे आजा, वो ट्रेंड बना के और उसको करोड़ों रुपए जो है वो अर्न करवा दिए उस लड़की को। और अब ये जनाब एक सियासी जमात का वर्कर है और जनाब बस दो फजूल किस्म के डायलॉग्स बोल के इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बात करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा हमें अपना सेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और अच्छे लोग जो मेहनती लोग हैं उनके काम पे हमें जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से इतनी पजीराई दे कि उनका उन बेचारों का हौसला बढ़ा सकते हैं, उनकी इनकम बढ़ाने में हम लोग मददगार साबित हो सकते हैं, या पूरी दुनिया में हम पाकिस्तान का जो अच्छा चेहरा है वो दिखा सकते हैं। तो इस हवाले से तवज्जो देने की हमें बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात यह व्यूवर्स की इस वक्त पाकिस्तान नहायत संगीन हालात से दो चार है। जो माशी इशारे हैं वो बहुत गलत खबरें दे रहे हैं और ऐसे में हमारे कुछ भाई सियासी जमातों की मोहब्बत में अंधे हुए हुए हैं और उनके लिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूं और ये मैं खुद अपने ऊपर भी लागू करके मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जो बुरे हालात इस वक्त मौजूद हैं, माशी बुरे हालात जिसे मैं आप हम सब दो चार हैं और जो आने वाले दिन हैं जो मज़ीद हमारे लिए शायद बुरे दिन साबित हों हमारे हुकूमत की नाअहलियों की वजह से, हमारे जो मुक्तदर हलके हैं उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, तो उनके लिए मेंटली तौर पे हमें कैसे तैयार होना है और कैसे हम नबर्द आजमा हो सकते हैं उनसे और कैसे निबट सकते हैं ऐसे हालात से, उस हवाले से हमें एक दूसरे के साथ मिल के प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इस हवाले से भी एक तफसीली प्रोग्राम कल हम करेंगे जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि पाकिस्तान बोलता है का टीवी चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसकी सपोर्ट के लिए आप जो कर सकते हैं वो हमारे लिए कीजिए। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पोठोहार के लिए, पंजाब के लिए और चारों सूबों और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के लिए जो भी हमसे हो सका हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान की जो नजरियाती सरहदें हैं उनकी हिफाजत के लिए, जो हमारे इकदार हैं, जो हमारी सकाफत है, जो हमारे रस्म व रवायात हैं, इंशाल्लाह हम उनके अलमबरदार बन के एक टीम के साथ हम चलेंगे। इसके अलावा हमने जी पाकिस्तान बोलता है एप्लीकेशन भी बाकायदा लॉन्च कर दी है जिसमें आप वो बड़ा ही क्वालिटेटिव किस्म का म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, क्वालिटी म्यूज़िक वहाँ पे नशर किया जाता है वो आप सुन सकते हैं। बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हुआ करेंगे विद इन सम डेज। कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहे तो वो भी आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत आसान तरीका है, आप प्ले स्टोर पर जाके हमारी पाकिस्तान बोलता है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी बात जो आप कहना चाहें, जो हमारे साथ जुड़ के आप दुनिया तक पैगाम पहुंचाना चाहें तो आप जरूर बताया करें। थैंक यू वेरी मच।